और मैं रेल मंत्री जी को कुछ राजस्थान की डिमांड की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था और उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, मेरी तरफ इशारे करके कहा आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा, ये कर लूंगा, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और कल भी जब हम इस पर बात कर रहे थे तो उनका जो व्यवहार था वो सांसदों के प्रति ठीक नहीं था। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया एयरलाइंस के, तमाम हमारे इंडिया एयरलाइंस को, कि इन्होंने इस बात को लेकर वेल में जोरदार बदतमीज मंत्री का विरोध किया। ये मनुष्य है, जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही है और जब कोई व्यक्ति सोता है रेल के अंदर उसको नींद नहीं आती कब रेल पट्टी से उतर जाए, वो इसी विचारों के अंदर रहता है। ये हमने बात रखी थी, आज मेरे कटौती प्रस्ताव चूंकि इस पर दिए हुए हैं और ये हमारा राइट है कि कटौती प्रस्ताव के अंदर हम बोल सकते हैं, उस कटौती प्रस्ताव की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी की, ये ठीक नहीं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और इंडिया एयरलाइंस ने जोरदार ढंग से इसका विरोध किया और इसका जो वक्तव्य था वो ठीक नहीं था। ये एमपी के कागजों का जवाब नहीं देता, एमपी को मिलने का टाइम नहीं। सत्ता पक्ष के सांसद भी ज्यादातर खुश थे कि इसका सही इलाज आज रेल मंत्री का हुआ है और इंडिया एयरलाइंस को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सब लोगों ने मिलकर इस रेल मंत्री का जो गलत वक्तव्य था, जिस तरह गंदा बोल रहा था कैबिनेट मिनिस्टर दूसरी बार का, चूंकि ये जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स है और दुर्भाग्य से मोदी जी की सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र है। इस बात को लेकर